हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कंप्लीट कर लिए हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद वो भी कर लिए हैं, तो आज करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, रूट शब्द, यौगिक और योग रूट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूट शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनके खंड अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो वो सार्थक नहीं होते, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होता, तो ऐसे शब्द रूट शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे शब्द है कमल, वैसे कमल का अर्थ है, ये फूल के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कीचड़ में उत्पन्न होता है, उसे हम कमल कहते हैं। तो अगर इसके खंड कर दिए जाएं, इसके टुकड़े कर दिए जाएं, क प्लस म प्लस ल जितने वर्ण इसमें यूज़ हुए हैं इनको अगर हम अलग अलग कर दें तो इनके कोई अर्थ नहीं होते। मतलब अगर हम इसके खंड करते हैं, खंड का मतलब होता है टुकड़े करना, अगर हम इसे अलग अलग कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को रूट शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यहाँ पे इसका उल्टा है। अब यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक जो मतलब योग से बने हो, तो ये जो है दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और इनके खंड जो है सार्थक होते हैं। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उनके जो खंड होते हैं उनका अर्थ होता है। जैसे हम दूध वाला बोलते हैं, तो दूध वाला, अब दूध वाला इधर दूध अलग कर देंगे, वाला कर देंगे, अलग कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया दूध बेचने वाला। तो इन दोनों शब्दों के जो है खंड करने पर भी इसका अर्थ है, मतलब ये सार्थक है। जैसे घुड़ सवार, घुड़ का भी अर्थ है और सवार का भी अर्थ है, मतलब ये सार्थक शब्द है। वैसे ही विद्या प्लस आलय, तो इस तरह के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसकी बात है योगरूट शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब किन्हीं दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन वो जो है एक विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर मतलब बड़े पेट वाला, तो गणेश जी को जो है लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे लंबोदर का यूज़ गणेश जी के लिए किया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट है पंकज, तो पंकज का मतलब होता है पंक प्लस ज, जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो पंक प्लस ज बनता है, तो पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब है उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला मतलब कमल, तो ये जो पंकज है ये कमल के लिए यूज़ किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट है दशानन। दशानन का मतलब होता है दस सिर वाला, तो ये जो है रावण के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे दशानन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।